खाने काबा को गिलाफ पहनाने के लिए भी खुसूसियत के
साथ आशूरा के दिन का इंतजाम किया जाता है, जैसा कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मकान रहा दिलियो को तुम सब उसी दिन काबा, इसी दिन खाने का बाबू गिलाफ भी पहनाया जाता है। तो ये शरीफ नजर से तो मालूम थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे जहंगीर में लोग इनका रोजा रखते हैं और इसकी बड़ी अहमियत है और इस दिन खाने का बाबू गिलाफ पहनाया जाता है। लेकिन जब आप मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि एक आसमानी किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब तौरात के मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इनका रोजा रखते हैं, तो आपने समझा कि शायद इसकी कोई शरी हैसियत भी है, आसमानी दीन का हिस्सा है ये। और जब सहाबे किराम के जरिए से पता लगवाया, मालूम किया, तो पता चला कि यहूदियों ने बताया कि ये बड़ा मुबारक दिन है, बादरगंत्र में हाजा योमुन सालिहुन, ये बहुत अच्छा दिन है, नेक दिन है, बादरगंत्र में हाजा योमुन अज़ीमुन, ये बड़ी अजमत वाला दिन है ये, हाजा योमुन नज़्जल्लाहु बिही मूसा व कौमहु मिन फिरऔन व कौमिही, आज का भी ये दिन है, इस दिन को ये अजमत हासिल है, ये मकाम हासिल है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन और फिरौनियों से निजात अता फरमाई थी, इसी दिन अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र लिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया में रोजा रखा था, इसीलिए हम उस नबी के मानने वाले जो है आपके उम्मती जो है रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और आपको पता चला कि इसकी हैसियत तो ये है कि ये आसमानी दीन का हिस्सा है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी है अल्लाह तबारक व तआला के परवरदिगार नबी है और मेरे भाई है, क्योंकि नबी नबी का भाई हुआ करता है, अंबिया इख्वतुल अल्लाह, अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह के भाई होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीनुहुम वाहिद व शरायुहुम शत्ता, इनका दीन इनका अकीदा एक है और उनकी शरीयतें मुख्तलिफ हैं, यही हैसियत इतनी सी बात है, इसलिए वो हमारे भाई हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अस्सामहु व अमर बिस्सियाम, आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी आशूरा का रोजा रखा और उसके और अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि वो भी रोजा रखे, सब लोग रोजा रखते थे, मर्द रोजा रखते थे, औरतें रोजा रखती थी, अच्छा कि बच्चों को भी रोजा रखवाया जाता था। जाहिर है कि ये हिजरत का पहला साल था और अभी माह रमजान के रोजे फर्ज नहीं किए गए थे, क्योंकि रमजान के रोजों की फर्जियत एक साल के बाद संतोष के लिए हुई, उससे पहले की बात कही तो ताकि रोजा रखा, सहाबे किराम को रोजा रखने का हुक्म दिया, औरतें अपने बच्चों को भी रोजा रखवाया करती थी और रोजे का इतना इंतजाम किया जाता था कि बच्चे जब रोते थे तो उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए खिलौने वगैरह दे दिया जाता था ताकि वो उसी में पहन जाए और भड़क जाए और फिर रोजा मुकम्मल कर ले। इस तरीके से बहरहाल इसका मामूल था। बहरहाल असल ये है कि रमजान के रोजों की फर्जियत से पहले ये रोजा फर्ज था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा और हुक्म दिया इस बात के जरिए कि रोजा फर्ज था। और उसके बाद जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी फर्जियत तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी फजीलत और उसकी ताकीद, उसका मकाम, उसका दर्जा बाकी रखा और आपने अख्तियारी तौर पर छोड़ दिया कि जो लोग भी रोजा रखेंगे इंशाल्लाह हमारे गुजार उन्हें फजीलत हासिल होगी और एक साल के पिछले एक साल के पूरा होकर कफारा हो जाएगा। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को जो कि दीन इस्लाम में अपनी सुन्नत से शामिल करवा दिया, इसलिए अहले इस्लाम ये रोजा रखते हैं। हम इसलिए नहीं रखते आशूरा का रोजा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा है, हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात मिली थी इस दिन, इसलिए हम रोजा रखते हैं, नहीं। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, हम तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा की पाबंद है, आपके एक अमल के आगे के आज के एक एक सुन्नत के पाबंद है। आपने अगर न रखा होता और आपने अगर रुकन दिया होता, आप इसकी मशहूरियत का बयान कर दी होती तो हम कहे इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को निजात मिली है और मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया रोजा रखा था। याद रखे कि कभी भी हम ये रोजा नहीं रखते क्योंकि हम पाबंद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बहरहाल खुलासा उसका ये है कि इस तरह के वाकयात से भी लोग इस्तदलाल करते हुए बहुत सारे रस्म व रवाज को दीन में शामिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये बात आपके सामने अर्ज की जा रही है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत तो सुन्नत की है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंची है और हमें वो चीज हमसे आपसे मिली है, उस हैसियत से हम ये रोजा रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये जो महीना है मुहर्रम का, इसकी फजीलत के बारे में ये बातें आपके सामने बार बार आती रहती है। आशूरा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बयान करवाया कि दो बातें खास तौर पर यहाँ तवज्जो देनी है। एक बात ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुसूसियत के साथ आपने बयान फरमाया احتسب على الله سبحانه وتعالى ان يكفر السنه التي قبله, आपसे पूछा गया कि आशूरा का रोजा जिसकी फजीलत जिसके बारे में आप बयान कर रहे हैं, अगर हम रोजा रखें तो इसकी क्या फजीलत है, इसका क्या मकाम है,
अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह की जात से यकीन है कि इस रोजा रखने वाले को इतना सवाब मिलेगा कि पिछले एक साल के गुनाहों यानी सगीरा गुनाहों का कफारा हो जाएगा। जहां भी आपको ऐसी फजीलत की हदीसें मिले, हम सुन्नत के रोजों का बदला हो या हर रमजान के पंद्रह रोजों का बदला हो या नमाज की फजीलत का बदला हो या हज बैतुल्लाह की फजीलत का बदला हो, जहां जहां फजीलत में आपको एक साल के गुनाहों के कफारा, दो साल के गुनाहों के कफारे की बात मिले, आप यकीन के साथ ही मतलब समझ लीजिए कि इससे वही गुनाह माफ होते हैं जिसका ताल्लुक कबीरा गुनाहों से होता है। कबीरा गुनाह इन गुनाहों में नहीं आते हैं क्योंकि रिवायतों में सही मुस्लिम और दीगर किताबों के अंदर अक्सर विस्तृत हदीसों में शर्त लगी हुई है, इज़्ज़तुनी बदिल कबाइर, ये फजीलत गुनाहों की माफी की फजीलत तब हासिल होगी, छोटे गुनाहों की माफी की फजीलत उस सूरत में मिलेगी जब कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जा रहा हो, बड़े गुनाहों से बचा जा रहा हो, तब ये गुनाह माफ हो जाएंगे, वरना बड़े गुनाह जो होंगे वो इन फजीलतों के अंदर नहीं आते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िका अकीदा है, मुख्तलिफ आयत मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में, कि इससे मुराद कबीरा गुनाह है, छोटे गुनाह है। बहरहाल छोटे गुनाह कसरत से वाकिफ होते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए इंसाफ के साथ नेक नियति के साथ रोजा रख ले तो पिछले एक साल के छोटे गुनाहों का कफारा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहुंचाया है उस दीन के अंदर वला और बड़ा का अकीदा मौजूद रखता है। वला और बड़ा का मतलब क्या होता है? वला और बड़ा का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते दोस्ती रखना और अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते दुश्मनी रखना। दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनूदी के लिए किसी से दोस्ती रखनी है, किसी से दुश्मनी रखनी है। दोस्ती दुश्मनी की बुनियाद इंसान की अपनी हवस नहीं होनी चाहिए, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए, उसकी रिजा के लिए, उसकी खुशनूदी के लिए होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहलू को, अकीदे के बुनियादी मसले को यहाँ भी आशूरा के रोजे के मौके पर भी मजबूत रखा और आपने उम्मत इस्लाम को इस बात की तालीम दी कि देखो आशूरा का रोजा तो हमने रखा है, हमने रखा है, रखने का हुक्म दिया है और रखना है, तुम्हें फजीलत मिलेगी रमजान के रोजों के बाद। लेकिन खास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई थी कि यहूदियों की मुखालफत करो और बहुत सारे मसाइल हैं, एक से ज्यादा दसियों बीसियों मसाइल हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लाम को अहले किताब यहूद नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया है ताकि कल को ताना लगने लगे, ये देखो तुम तो नाम लेते हो अपने नबी का और मानते हो बात हमारे नबी की, हमारे नबी की सुन्नत है ये आशूरा का रोजा रखना और तुमने हमारे नबी की सुन्नत को अख्तियार कर लिया है। इस तरह का ताना कभी अहले किताब देने की जरूरत न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उस चीज को मजबूत रखा और आपने फरमाया फाड़ेकुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो और यहूदियों की मुखालफत कैसे होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन वकीला इला काबिलिल्लाह मुबन्न तरत, अगर आइंदा साल जो की 10 तारीख को भी ये पता चला था ना, 10 तारीख को और वो भी दिन निकल चुका था, वक्त आगे बढ़ चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस वक्त, आपने फरमाया था जो अब तक कुछ खा चुके हैं वो अब ना खाए पिए, जो लोग भी कुछ खा पी चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं, उन्हें चाहिए कि बकिया दिन अब रोजे के लिए गुजारे और जो लोग अब तक कुछ नहीं खाए हैं उन्हें चाहिए कि रोजे की ताकि ये दिन मुकम्मल करे, यानी क्योंकि ये दिन शुरू हो चुका था इसलिए मौका जा चुका था 9 तारीख का। अल्लाह के नबी ने फरमाया आइंदा साल अगर हम जिंदा रहेंगे बाकी रहेंगे तो इंशाल्लाह हम 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। यहूदी ये ना कहें कि हमारे साथ साथ रोजा रखते हैं, हमारी सुन्नत पर अमल करते हैं क्योंकि हम 10 तारीख को नहीं बल्कि 9 और 10 दिनों का रोजा रखते हैं। ऐसे ही मुहम्मद अहमद की रिवायत के अंदर और जबकि उसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है मेरे उनके यहाँ, लेकिन जो बात ज्यादा राजिब है, ज्यादा मुस्तर और मोतबर है वो यही है कि मुखालफत करने में 10 के साथ 9 का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी 9 तारीख को भी रोजा रखना चाहिए और अगर कोई 9 तारीख को न रखा हो तो 10 तारीख के साथ साथ 11 तारीख का भी रोजा रख करके मुखालफत कर सकता है और यही बात ज्यादा दलाइल की रोशनी में राजे है। और मुखालफत की इसी शक्ल भी है कि 9 और 11 दोनों का इजाफा कर लिया जाए, यानी 9, 10 और 11 तीनों तारीखों में रोजा रखा जाए, इसकी भी गुंजाइश है, इस पर भी अमल किया जा सकता है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, अब इनके बाद इसके सिवा इस माह मुहर्रम का
अल्लाह तबारक व तआला के दीन में इस माह मुहर्रम का इन अपनी अहकामों बताई के अलावा किसी और मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी और मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तारीख जिस तारीख में हमने और उनकी मौत को फरमाई थी वो मेरे भाइयों मुहर्रम की 7 तारीख तो थी, लेकिन वो कौन सा साल था, क्या था, हमें उसका कोई अता पता नहीं है, हमें उसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन इसी मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल के बाद, आपकी वफात के 50 साल के बाद, यानी वफात आपकी 11 हिजरी में हुई और 50 साल यानी सन 61 हिजरी का जब मुहर्रमुल हराम आया और 10 तारीख आई जिसको हम आशूरा कहते हैं, उस दिन तारीख इस्लाम का एक बहुत ही ज्यादा वाकया पेश आया, एक सालहा पेश आया और करबला की धरती पर मेरे भाई हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नमाज़े रसूल की शहादत का वाकया पेश आया। अब मसला ये है कि उम्मत की बड़ी तादाद ने इसको तो फरामोश कर दिया कि ये आशूरा, इसकी शरी हैसियत, इस महीने का मकाम और आशूरा का रोजा, उसकी फजीलत, अहले किताब यहूद नसारा की मुखालफत का जो तरीका बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तीन जो अहकाम और फजाइल और तकद्दस और अहकामत की बातें हैं उन तमाम चीजों को तो तबाही कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह न जाने कितनी बिदात ने, न जाने कितनी खुराफात ने, न जाने कितने जुल्म और ज्यादती के दामों ने ले लिया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तआला ने फरमाया था इन 4 महीनों का नाम लेकर के, 4 महीनों का तस्करा करके, जो 4 महीने गुर्बत वाले थे जिनमें सबसे पहले हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का मकाम रखा है, 4 महीनों में फला तज़लिमू फीहिन्न अन्फुसकुम, इन 4 महीनों में अपने आप पर जुल्म न करो, गुनाह न करो, माफियत न करो, किसी भी तरह से जुल्म और ज़ियादती का काम न करो, बल्कि अपने आप को, अपनी ज़बान को, अपने हाथों को हर तरह के जुल्म और ज़ियादती से बचाओ। इसका पूरा पूरा मेरे भाइयों इसकी पूरी पूरी मुखालफत की गई और इसकी खिलाफ वर्जी के अंदर लोग हद से तजावुज करने लगे। इससे जो बहुत सारी बातें हैं आपके सामने सब की सब बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन चंद बातें जो बड़ी अहम हो सकती है वो बातें आपको यहाँ आपके सामने पेश की जाती है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, सन 61 हिजरी में हजरत हुसैन की तैयारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम आप नमाज़े रसूल है, बाग़े जन्नत के फूल है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया था हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हुमा अयहा लदाया मिन अद-दुनिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मिन अल-जन्नत, अल्लाह हसन और हुसैन ये दोनों बाग़े जन्नत के हद दर्जा खुशबूदार फूल है। और आपने फरमाया था اللهم إني أحبهما وأحبهما, अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तू भी इनसे मोहब्बत करना। इस तरह की बड़े फजाइल दे मेरे भाइयों इन नवासों के और सैयदा शबाब अहले जन्नत जन्नतियों के जवानों के सरदार होंगे कियामत के दिन। ये मकाम हासिल है, ये मकाम हासिल है, इससे हमें कहीं सिरे से एक जर्रा भी कोई इनकार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ये हमारा दीन है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मनहज है कि हम आले बैते रसूल को अपने पेशानियों पर सजाते हैं और उनके मकाम मर्तबे को समझते हैं, उनकी मर्तबत जैसे भी अल्लाह के कलाम के अंदर, अल्लाह के नबी की सुन्नत के अंदर साबित है, उसे उसी तरह से साबित करना अपने दीन का, अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और इससे किसी भी तरह के खलल को ईमान और अकीदे का खलल समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात भी याद करनी जरूरी है मेरे भाई मेरे बुजुर्ग है कि ये इतने ऊंचे मकाम के मालिक हजरत हुसैन और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी शहादत का वाकया पेश आया। शहादत का मकाम कितना ऊंचा मकाम है, शहादत का दर्जा कितना ऊंचा दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे मुंतखब करता है इस मकाम के लिए उसे ये मकाम शहादत अता फरमाता है। हर एक को शहादत का मकाम नहीं मिल सकता, लोग कितनी भी कोशिश कर ले ये मकाम उसी को मिलता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है। जाहिर है कि शहादत का ये मकाम उनके लिए बड़ी आफत का मकाम है और अगर जुल्म होता है तो जुल्म भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे भाई याद रखे कि जुल्म और बाजी की सजा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में कयामत में तो देगा ही, दुनिया में भी उसकी सजा उसको मिलती है जो जुल्म और बगावत और सरकशी पर आमादा हो जाता है। तो जालिमों को दुनिया में भी सजा मिली और मिलती रहेगी और मरने के बाद कयामत के दिन भी उनको उनकी सजा मिलेगी जो उन्होंने जुल्म छाया है, जाति की है, ना खून बहाया है, जैसे भी जिस पर जिसने जुल्म किया है सबको अपने जुल्म की सजा मिलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
क्योंकि उसूल है अल्लाह के कलाम के, ये उसूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के, इसमें कोई शक सुने की बात नहीं है। मसला ये पैदा होता है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला की शहादत का वाकया सन 61 हिजरी में पेश आया। हम ये बात जानते हैं कि शहादत सन 61 हिजरी में हुई और आज 1443 हिजरी का मुहर्रम हमारे सामने। आप सोचिए कितनी सदियां गुजर गई, कितनी दहाइयां गुजर गई, लेकिन आज तक हजरत हुसैन की शहादत पर, उनकी वफात पर, जो शहादत की वफात थी उनकी वफात पर, जो आज भी मेरे भाइयों उनकी वफात पर जो ताजियत किया जा रहा है या ताजियत किया जा रहा है वो किस कदर खतरनाक के संगीन है। ये ताजियत करना, मरने वाले की मर्द की मौत पर रोना, क्रीमान फाड़ना, गायों से पीटना, छुरी और ब्लेड से सबको चाक करना और आय वाय के नारे लगाना और सच्ची झूठी रिवायतों की बुनियाद पर न जाने किस किस को पर लानत करना, न जाने किस किस को गालियां देना, ये क्या है मेरे भाई मेरे बुजुर्गों? तो क्या है कि दलील इस्लाम के अंदर हम आप जानते हैं, हमें आप जानते हैं, पूरी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पर रखने वाले इस बात को जानते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बतला दिया है, किसी शख्स की भी वफात पर, हाँ वो करीब हो, बईद हो, अजीज हो, दूर का हो, कोई भी हो, किसी की वफात पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना जायज नहीं है। 3 दिन से ज्यादा कोई भी हो, बाप की वफात हो जाए, बेटी की वफात हो जाए, किसी और ज्यादा मां की वफात हो जाए, किसी की भी वफात हो जाए मेरे भाइयों, हत्ता की अगर उम्मत के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, किसी की भी वफात पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाना, शोक का इजहार करना, जबान के जरिए से, करतूत के जरिए से, हाथ पैर के जरिए से, किसी भी जरिए से मेरे भाई को हराम में जायज नहीं है, जायज है। 3 दिन ज्यादा ज्यादा 3 दिन सिवाय औरत के बीवी को हुक्म दिया गया है, यानी बीवी को इजाजत दी गई है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने शौहर की वफात पर मतलब गम मनाएगी, शोक मनाएगी, और उसके भी उसूल जाब्ते बता दिए गए हैं कि वो कैसे अपने गम का इजहार करेगी, उसके दायरे से बाहर निकलने की उसे भी गुंजाइश नहीं दी गई है। अब आप सोचिए कि हजरत हुसैन की शहादत का जो वाकया पेश आया 3 दिन के बाद 10 मुहर्रम की तारीख की हो, 11, 12, 13 तारीख को 13 तारीख के बाद उम्मत के किसी भी शख्स के लिए हजरत हुसैन की शहादत पर क्या गम मनाना जायज होगा? किसी के लिए भी दुनिया नहीं, किसी के लिए भी 3 दिन के बाद गम मनाना जायज नहीं है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जो सौजा थी या जो उनकी सौजात थी उनके लिए भी 4 महीने 10 दिन के बाद किसी भी सूरत में शोक मनाना गम मनाना जायज नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए 4 महीने 10 दिन की बात हो रही है, हजारों साल गुजर चुके, 14 सदी मेरे भाइयों, आज आप सोचिए 1443 का मुहर्रम है और इस वक्त भी शोक तो उससे भी कहीं ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी क्या शरी हैसियत है? इसकी शरी हैसियत की देखिए हराम है, हराम है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन तरकल कुदूजा व शक्कल जुयूबा व तआबिदा व जाहिलिया, उस शख्स का हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है जो शोक मनाने की वजह से, गम जाहिर करने की वजह से अपने गिरेबान पीछे, अपने गिरेबान चाक करे, अपने गालों पर उस्तारों पर तमाशे मारे या पीट करे या जमाने जाहिलियत की हाय वाय पुकारे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा करने वाले अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और रिवायतों में कई बात सही मुस्लिम सही बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है कि 5 सहाबा-ए-किराम के घर के लोग रोते रहे, गम बनाते रहे, गम का वक्त चले जाने के बाद 3 दिन के बाद भी गम बनाते रहे या 4 महीने 10 दिन के बाद भी गम बनाते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा ने हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कहा जाकर के इन रोने वालियों के मुंह पर धूल डाल दो, राख डाल दो इनके मुंह के ऊपर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी शोक मनाना बंद नहीं कर रही है। तो कहने से क्या मतलब है मेरे भाइयों, इसकी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। और ये कब से शुरुआत है बताओ आपको? इसकी शुरुआत हुई है, इसकी एक तारीख है पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल के बाद वाकया पेश आया 61 हिजरी में। और जो हुक्म है दीन का, शरीयत का, 3 दिन का, 4 महीने 10 दिन का, इसके बाद शोक का सिलसिला बंद हो गया था, कोई भी आपके घर का आपके मुतालिकीन में से शोक नहीं मनाता था। ये वक्त गुजरता चला गया, पहली सदी हिजरी मुकम्मल हुई, दूसरी, तीसरी और उसके बाद 4th सदी हिजरी आई और उसके बाद मिस्र के अंदर वो जो मेरे भाइयों
मेरे भाई ने वो जो शियों की राजियों की हुकूमत कायम हुई थी 3 में 42 में और उसके बाद चलते चलते 3 और उसके आगे फिर सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले मेरे भाइयों यही वो राजी हुकूमत है जिन लोगों ने सबसे पहले दुनिया के अंदर फिर से राजनीत के नतीजे की बुनियाद पर इन लोगों ने सिर्फ की बदतरीन सुन्नत को शुरू किया की बदतरीन बिदत का आगाज किया और पूरे शहर के अंदर मुनादी करवाई ऐलान करवाया और काले कपड़े सबको खरीद खरीद करके हुकूमत ने तकसीम किया। दुकानें बंद करवाई गई और ताजियत के नाम पर बहुत ऊंचे ऊंचे झंडे बनाए गए। इस तरीके से मेरे भाई मेरे बुजुर्ग फिर नए सिरे से बदतरीन किस्म की बिदत 341 हिजरी में या 351 हिजरी में वजूद में आई और हुकूमतों ने वक्त की हुकूमत के पैसे खर्च करके नाचने वालों को ला करके शोक मनाने वालों को ला करके रोने गाने वालों को ला करके और औरतों को ला करके सबको रोड पर बाहर निकाल दिया। दुकानें बंद मार्केट बंद कर दी गई बाजार बंद कर दिए गए और घरों के दरवाजे बंद करके सबको बाहर निकाल दिया गया और सबको रोड पर काले कपड़े काले झंडे लेकर के खड़ा कर दिया गया। इस तरीके से मेरे भाई फिर 2-3 सदी के बाद फिर से दोबारा तकरीब बिदात को शुरू किया गया और उसके बाद से आप जानते हैं कि अगर हुकूमतों में जो सुन्नत की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो सुन्नत प्रमाण करते हैं और अगर हुकूमत बिदात की हो ऐसे बिदात की हो ऐसे शिर्क की हो तो शिर्क पर बिदात प्रमाण करते हैं। उन तारीख हमारे सामने और यही हुआ हुकूमतों की ताकत और कौड़ की बुनियाद पर इस चीज को बहुत ज्यादा शहरी ताकत मिली और उसके बाद वो जुलत भी की गई हुकूमत की ताकत की बुनियाद पर उनके मान और इख्तदार की बुनियाद पर मदीने बगदाद यानी शहर बगदाद के की बच्चियों के दरवाजों के सामने दौड़े लगाए गए कपड़े लटकाए गए और बड़ी सराहत के साथ खुलवाए सलाहत और उनका उमर उस्मान और हजरत मुआविया इब्न सुफयान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इन सहाबे किराम का नाम लेकर के उन्हें गालियां दी गई और उन पेड़ों के ऊपर लानत का तस्करा किया गया। लानत और पत्थर के ऊपर लौंद मिलता ऐसे ही लानत उभर लानत मन ऐसे ही लानत हजरत मुआविया इब्न अबी सुफयान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु पे इन पर फूले न फूले हुकूमत की ताकत की बुनियाद पर मेरे भाई को लानत की गई गालियां दी गई। ये सब किसने किया? यही इब्न बोया बैरवी राजी की हुकूमत ने किया। वो इस कौला नाम का वो जालिम राजी बादशाह जिसने सबसे ज्यादा इस चीज को परवान चढ़ाया और रामजियत की बुनियाद रखी। मेरे भाई को मेरे बुजुर्ग को ये मसला बहुत तेजी के साथ चलता रहा। फिर धीरे धीरे इराक के इलाके में फैलते पूरे शहर में मिस्र से निकल करके और उसके बाद दीगर ममालिक के अंदर भी फैलते फैलते चला आया और आज हम देखते हैं कि जब मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला होता है आगाज होने से पहले ही जितनी सारी तैयारियां होती है उन तैयारियों का माने मुहर्रम के मजमून कामों से कोई ताल्लुक नहीं होता। सारा ताल्लुक ताजियादारी से होता है। हजरत हुसैन के नाम पर झंडे उठाने के लिए होता है। सहाबे किराम पर लानत बरामद करने के लिए होता है। खुलफाए राशिदीन को गालियां देने के लिए होता है। अल्फाज मुतहरात हजरत उमर हजरत उम्र मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को गाली देने के लिए हजरत हफ्सा बिनत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा को गाली देने के लिए और चीजा खुलफाए राशिदीन और उनके खानवादे को गाली देने के लिए यह पूरा काम फर्म किया जाता है। और जालिमों ने हदीसें भी खड़ी हुई है कि जो मुहर्रम की 1 से लेकर के 9 तक का रोजा रखेगा उसके लिए अल्लाह तबारक तआला फिजा में एक महल बनाएगा जिसकी मसाफत 1 मील चौड़ी होगी और 1 मील लंबी होगी पत्थर की मसाफत होगी। ये सारी सूफी रिवायतें हुजूर रिवायतें लोगों ने शामिल कर दी। मेरे भाई से मेरे बुजुर्गो ये जो चलसे लगाए जाते हैं स्टेज लगाए जाते हैं जो पूरी पूरी रात जाग जाग करके हम और आप जलसों को सुनते हैं इन जलसों के अंदर बहुत सारी बातें होती हजरत हुसैन के रजी अल्लाह तआला अन्हु की पेशा फजीलत में झूठी बातें बेसरपैर की बातें फिर असल बातें बयान की जाती है। खुलफाए राशिदीन खासतौर पर वली खत्ताब अकबर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मानी गनी और हजरत मुआविया और खुसूसियत के साथ यजीद इब्न मुआविया इन पर लानत की जाती है गालियां दी जाती है। मेरे भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके अंदर अहले रब्ज के अलावा अहले सुन्नत के भी बहुत सारे लोग आपकी ला इल्मी और नादानी की बुनियाद पर जहालत की बुनियाद पर शामिल होते हैं। इल्मी पता इन जल्दों में क्या होता है इन जल्दों में क्या खटा जाता है
मेरे भाई को मेरे बुजुर्ग को मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 50 साल के बाद हजरत हुसैन की शहादत का वाकया पेश आया, इससे कतई नजर हमें उससे नहीं जाना है, हमें बहस से अभी कोई सरोकार नहीं है कि उसके अंदर कितना सच्चा है, वाकया कितना झूठा है, इससे हमें कोई सब बहस करना मकसद नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन खुलासा ये है अगर हमें बात भी करनी है तो सन 61 हिजरी के बारे में बात करनी है, उस वाकये के बारे में बात करनी है जो करबला की धरती पर पेश आया है, उसके बारे में बात करते हैं आप, बात के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 61 हिजरी के वाकये और उसके बाद के वाकयात पर गुफ्तगू करने का जब मौजू बनता है तो मौजू पे उस मसले पर गुफ्तगू करते हुए उन सहाबे किराम को क्यों गाली दी जाती है जो इस वाकये से 50-50 साल पहले वो बात पा चुके हैं। कोई 50 साल पहले वो बात पाता है, कोई 48 साल पहले वो बात पाता है, कोई 40 साल पहले वो बात पाता है, कोई 35 साल पहले वो बात पाता है। भला 61 हिजरी के उस वाकये के मौके पर जब बात की जाती है तो अबू बकर सिद्दीक को गालियां क्यों दी जाती है जबकि उनकी वफात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे 25 साल के बाद हो गई थी। मेरे भाइयों तकरीबन 47 साल पहले वाकया पेश आया, आखिर उनका नाम क्यों लिया जाता है, उनका क्या कसूर है इस वाकये के अंदर जो इस वाकये से 50-48 साल पहले वफात पा चुकी थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो 7 साल के बाद उसके बाद उनकी भी शहादत हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक हिजरी पर गुफ्तगू करते हुए उन सहाबी का नाम क्यों लिया जाता है, हम क्या पहुंचता है तारीख के पन्ने 40 साल पहले बंद हो चुके होते हैं, उनका नाम क्यों लिया जाता है। 12.5 साल तक खलीफा रह करके उस्मान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेरे भाई को तकरीबन 42-43 साल पहले वफात पा जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनका नाम क्यों लिया जाता है, उनका क्या कसूर है, उनकी गलती क्या है, उनका जुर्म क्या है, भले बताया तू जाए उनके क्या कसूर है मेरे भाई मेरे बुजुर्गों कि उन्हें गालियां दी जाती है। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं मेरे भाइयों इस मौके पर क्या क्या नहीं होता है। इस मौके पर एक बात और आपको अर्ज कर दूं, आले बैठे रसूल, आले बैठे रसूल, आले बैठे रसूल, ऐसा लगता है कि यही आले बैठे रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारा आले बैठे रसूल से कोई रिश्ता नहीं है, हम आले बैठे रसूल से मोहब्बत नहीं करते। मेरे भाइयों सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आले बैते रसूल का मतलब क्या है, क्या मतलब है आले बैत घर वाले, कौन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, क्या अल्लाह के नबी के घर वाले सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले सिर्फ और सिर्फ हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी चहेती लाडली बेटी हजरत फातिमा और आपके नवासे हसन हुसैन, बस इसके अलावा कोई पांचवा नहीं है, कोई छठा नहीं है, कोई सातवां आठवां आपके घर वालों में से नहीं है। मेरे भाइयों कोई भी घराना शादी के बाद शुरू होता है, अगर उम्मुल मोमिनीन खदीजा की शादी न होती, निकाह न होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फटा हजरत फातिमा सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नत दुनिया में कैसे वजूद पाती। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत फातिमा की विलादत हजरत खदीजा के बतन से फरमाई या नहीं फरमाई, अगर पांचवा आले बैत रसूल में है तो फातिमा की अम्मा आले बैत रसूल में से क्यों नहीं रह सकती, और अगर खदीजा आले बैत रसूल में से है तो आयशा क्यों नहीं है, हफ्ता क्यों नहीं है, कैलब क्यों नहीं है। मेरे भाइयों आपकी 9 बीवियां इस साथ में बाहर आती, आपकी कुल 11 बीवियां हैं, अगर एक बीवी आले बैत रसूल में से है तो बकिया 10 बीवियां आपकी आले बैत रसूल में से क्यों नहीं, और अगर है तो सवाल ये पैदा होता है कि आले बैते रसूल का नाम लेने वाले और मोहब्बत का दम भरने वाले कैसे एक तरफ मोहब्बत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उसी समान से हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाहु तआला अन्हा पर लानत करते हैं, उनको गालियां देते हैं, क्या वो आले बैते रसूल जैसे नहीं है, आपकी चहेती लाडली में एक बीवी है, आपको हबीबतु हबीबुल्लाह अल्लाह के हबीब की हबीबा है, वो उनको कैसे गाली की जाती है, उनको कैसे लालच की जाती है। हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी की बेटी हजरत हफ्सा बिनत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहेती बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद दर्जा प्यारी और ऊंचे मकाम की वाली मारी गई, उनको क्यों गाली की जाती है, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जात में से है। सवाल ये है आपको किसने हक दिया, किस किताब की आयत ने, किस नबी की सुन्नत ने हक दिया कि आप आले बैत रसूल को अपनी मर्जी से बांट ले और ये तय कर ले कि आले बैत रसूल के अंदर हजरत अली फातिमा हसन हुसैन के अलावा कोई चौथा पांचवा जगह नहीं है।
ये आपको किसने हक दिया? अल्लाह का कलाम कहता है सबसे पहले अल्लाह के नबी के खानदान में, आपके अहले बैत में, आपके अहले बैत रसूल में सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान करीम कहता है, सबसे पहले अगर कोई आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आती है, आपकी अपराधी मुतहरात आती है। और हमने आपके सामने वायदे पड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया उसके अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस आयत करीमा के अंदर, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, वक्त कम है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लियुज़हिबा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्तुमुर रिज्स अहले बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ऐ अहले बैत, ऐ अल्लाह के रसूल के फरमाने, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गंदगी को पाक कर दे, गुनाहों को पाक कर दे और तुम्हें पूरे पूरे तौर पर पहाड़ वाला बना दे, पाक वाला बना दे, पाकी वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुमसे अल्लाह तबारक व तआला गंदगी दूर कर दे और तुम्हें पूरे तौर पर पाक बना दे, पाकीदा बना दे। इस आयते करीमा का कहां तज़किरा किया गया है? या निसा अन्नबी सबसे ज्यादा ऊंचा है। अगर वाकई तुम तकवा शियार हो और वाकई हो तो तुम बातचीत कर लोगों से और अपने घरों के अंदर ही रहो, तुम्हारे चाहे जिसकी तरह बनाओ सिगार न करो। उसके आगे अल्लाह तुम्हारा गुजारा फरमाता है वो आकिन सलात और नमाज कायम करो, वो आकिन जकात और जकात दिया करो, वो आते अल्लाह और रसूल करो और अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, उसके बाद अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ऐ अल्लाह के नबी के घरवालियो, ऐ अल्लाह के नबी के घरवालो, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरे तौर पर पाक कर दे। किसका तज़किरा है इन आयतों के अंदर? आयतों में तज़किरा किसका है भाई? या निसा नबी की नबी की बीवियों का तज़किरा किया जा रहा है और तुमने आले बैते रसूल का नाम लेकर के अल्लाह की नबी की बीवियों को बाहर निकाल दिया। हम क्या आयशा को गाली देते हो, लानत करते हो? हर जहाफा को गाली देते हो, लानत करते हो? मेरे भाइयों, और आयशा को गाली देते हो, आयशा के बाप को गाली देते हो जो रूए जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब था, आप से ज्यादा अजीज कोई नहीं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद हजरत हफ्सा की वालिद हजरत उम्मे खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मकाम पूरी इंसानियत में सबसे ज्यादा ऊंचा है, अबू बकर के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई था अबू बकर के बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मकाम था। तो तुमने कैसे आले बैत रसूल का फैसला कर लिया? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक रिवायत पेश की जाती है, मतलब फिर आप तुम अल्लाह कोई कहेगा कि हमने एक पहलू छोड़ दिया एक पहलू पर बात करके अपनी बात साबित कर दी। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पीर से मुरहल एक आपने चादर ली और चादर आप ओढ़े हुए थे, इतने में वो बच्चे हजरत हसन खेलते हुए आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर उनको दे दिया। थोड़ी देर के बाद हुसैन चलते हुए आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपनी चादर में दे दिया। उसके बाद हजरत फातिमा आई, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। हजरत अली आए, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत करीमा के एक टुकड़े की तिलावत कर दी, इन्ना युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्तुमुर रिज्स अहले बैत। अल्लाह ने इस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत कर दी। अब इस हदीस को ले, हदीस मुस्लिम शरीफ की है, इस हदीस को लेकर के मेरे भाइयों, इन रफ्जियों ने शियों ने क्या कहा? ये देखो, चादर में जितने लोग थे बस इतने ही लोग आले बैत रसूल है, क्योंकि अल्लाह तबारक अल्लाह के कलाम की जो आयत करीमा अल्लाह के नबी ने पढ़ी वो आले बैत रसूल की आयत करीमा पढ़ी। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ हसन हुसैन अली और फातिमा सिर्फ यही चार लोग आले बैत रसूल के अंदर हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि आयत करीमा को पूरी कम से कम पढ़ो तो समझ में आए बात। अल्लाह के नबी ने आयत पर ही ये बताने के लिए कि ये सब भी मेरे आले बैत के रसूल का हिस्सा है, वरना आयत जहां से पढ़ी है वहां अल्लाह फरमाता है ए नबी की बीवियों तुम अल्लाह के नबी की घरवाली हो, अल्लाह के नबी के आले बैत के रसूल में से हो। मेरे भाई हो मेरे बुजुर्गो, अच्छा फिर एक बात और बता दूं मैं आपको, ये लोग कितनी रिवायत पकड़कर बैठ जाते हैं, ये भी रिवायत और डिटेल में तफसील में मुस्लिम अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है उसका तस्करा नहीं करते क्योंकि उसमें उनका मतलब बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि वहीं पर जहां ये वाकया पेश आया था चादर के अंदर हसन हुसैन और हजरत फातिमा और अली रजी अल्लाह तआला को चादर में लिया और उनको चादर में लिया गया, वहीं पर हजरत उम्मे सलमा भी मौजूद थी रजी अल्लाह तआला था वहां मौजूद थी, कहा अल्लाह के नबी मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ आओ तुम पे बहुत बड़े खैर की तरफ आ रही हो, इला खैर इसको छोड़ देते तस्करा नहीं करते, हम्बल के बिल्कुल सही बात है और इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सौजा हजरत उम्मे सलमा का तस्करा मिलता है, इसलिए इनका तस्करा कर देंगे तो फिर सारा मसला उनका जो हो जाएगा वो सब का सब जायज होकर के रह जाएगा और मकसद साबित नहीं होगा। फिर भाई उपला से कलाम ये है कि इस मौके पर ये सहाबे किराम को गाली देना, अबू बकर को, उमर को और पानी घनी को और बहुत गंदी गंदी बातें हैं उसे कहने का मौका नहीं है मेरे भाई को, और हजरत साहब इकराम के साथ साथ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा जी का भी अल्लाह तआला को हजरत हफ्सा को और ऐसे को ये लोग शिया ना चाहते सारे साहब इकराम को काफिर कहते हैं, कहते सब के सब मुर्तद हो गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिवाय तीन में से तीन सहाबा का नाम लेने का मुसलमान की भारी है हजरत सहाबा बिन जुंदुब है और हजरत एक और साहब तीन के सिवा कहते सब के सब मुर्तद हो गए। सवाल ये पैदा होता है ये क्या मुहर्रम इसीलिए है, मुहर्रम का ताल्लुक क्या शरीयत इस्लाम के अंदर, पर यही आसुरा का रोजा और इस महीने की फजीलत और इसका मकाम उसका दर्जा इसके ऊपर कोई ताल्लुक नहीं तमाम चीजों से, और इस मौके पर हर साल सजग के मौके पर बात करने के लिए इन सहाबे किराम को तारीख को हाजी मुतहरा को गालियां दी जाती है। अफसोस का मकाम मेरे भाई मेरे बुजुर्ग और अफसोस इस बात पर आमतौर पर है मेरे भाई के हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लेकिन महज जिहाद है तो नागरानी की बुनियाद पर उन्हें निश्चुल है, उनका सर्कल है, उनका पड़ोस है, उनका कारोबार है, उनका मोहल्ला है, वो नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है और जो धूम है अंधेर गली है मेरे भाई को और लोग फिर उन्हीं के साथ हो जाते हैं वही अकीदे वही नारे क्या हुसैन और फिर जिंदाबाद मोताबाद के नारे और ताजिया अल्लाह अकबर 30-35 फुट का लंबा ताजिया और ताजिया क्या हजरत हुसैन की कब्र का हजरत हुसैन की कब्र का उनके मजार का एक नमूना बनाया जाता है उनके सामने सजदे किए जाते हैं उनसे मुरादें मांगी जाती है सर टेका जाता है उनके सामने दुआएं की जाती है नजर न्याप मांगे जाते हैं चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं ये सब होता है। तो आप देखिए ये अकीदा किस कदर गंदा है इसके अंदर शिर्क भी है बिदअत भी है मुहर्रमात भी है सगीरा भी है कबीरा भी है सहाबा को गालियां सहाबिया को गालियां ये कौन सा दीन है भला ये दीन मोहम्मद तो नहीं हो सकता ये दीन लोगों का अपना हवस का मनमानी दीन तो हो सकता है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गो आप अंबी होते अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे को ताला हमें इस मौके पर मुहर्रम की अकबर को समझने की तौफीक अता फरमाए इसका मकाम जानने की तौफीक अता फरमाए इस हवाले से मुसलमानों के अंदर जो नादानी और जहालत में जो भाइयों इस तरह के राफिजियों शियों के चक्कर में फंस जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी इल्म की रोशनी में जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए उम्मत के सहाबा का सहाबियात का और बाकी मुतहरात का खुलफाए राशिदीन का मकाम समझे अल्लाह उन्हें इसकी तौफीक अता फरमाए आमीन रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अस्सलामु अलैकुम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على